Hey everyone, welcome to Shwam's IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हियर आई एम विद चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द चैप्टर 3 इज मनी एंड बैंकिंग. सो इसमें हम मनी और बैंक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी ही है जिससे हम एक्सचेंज करते हैं कोई भी चीज़ का. अगर हम ट्रेड करें, कोई भी एक्सचेंज करें गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है. मनी के बिना ये चीज़ें नहीं होती है ना. बट जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं थी मार्केट पे, तो हम लोग कौन सा कैसे एक्सचेंज करते थे? डाट सिस्टम और डाटा एक्सचेंज वॉज नोन एज बार्टर एक्सचेंज. सपोज टेक एन एग्जाम्पल डैट कि आप एक आइलैंड में हो. ठीक है. आप अकेले एक आइलैंड में हो और आपके पास नेसेसिटी है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है. सडनली एक और पर्सन उसी आइलैंड में आता है और उसके पास वो चीज़ है जिसको आपको जिसकी ज़रूरत है आपको. ठीक है. और उसके पास और आपके पास वो चीज़ है जो उसको चाहिए, तो आप वो चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो. राइट. एक्सचेंज कर सकते हो आप वो दो कमोडिटी आपस में. सो दिस सिस्टम वॉज नोन एज बार्टर एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम. इट इज़ काइंड ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. ठीक है. और इसमें एक बहुत ही बड़ा बैरियर था, डैट वॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मतलब उन दोनों की जो भी नीड है वो दोनों की ज़रूरी होना चाहिए कि इसकी नीड इसके पास हो और इसकी नीड इसके पास हो. ये कोइंसिडेंस होना ज़रूरी है. ठीक है. तो बाटर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और लोग वही चीज़ें एक्सचेंज करेंगे ना जो सरप्लस है. सपोज सरप्लस वीट तो ग्रो होता ही नहीं है. टेक एन एग्जांपल ऑफ वीट की वीट जो है जितना एक फैमिली प्रोड्यूस कर रही है वो सरप्लस अमाउंट में है ही नहीं, वो अपने कंजम्पशन में ही ख़त्म हो जाता है. तो जिस और इंडिविजुअल को जिसको वीट की ज़रूरत है वो क्या करेगा? ठीक है. तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों ने इस ट्रांजेक्शन को मतलब एक्सचेंज को स्मूथ करने के लिए एक इंटरमीडिएट गुड को नेसेसरी समझा एंड दैट गुड वॉज मनी. ओके. दैट वॉज मनी. फंक्शंस ऑफ मनी. मनी का फंक्शंस क्या है? सबसे पहला और फॉरमोस्ट फंक्शन इज इट एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी. आप चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर सकते मनी के बिना आज के मार्केट पे. ठीक है. मनी ऑल्सो एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट. अगर हम बोले कि अगर आप कोई भी वॉच है जिसकी 500 रुपीज़ उसका अमाउंट है, इसका मतलब है कि वो वॉच 500 यूनिट्स ऑफ मनी में ही एक्सचेंज होगी. ठीक है. ये 500 रुपीज़ इज़ द यूनिट्स ऑफ मनी. ओके. दस द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीज इन टर्म ऑफ मनी. ठीक है. किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो मनी में ही तो होता है. ठीक है. देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल. द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज इन द सेंस डेट अ यूनिट ऑफ कमोडिटी कैन नाउ परचेज लेस ऑफ एनी कमोडिटी विल कॉज अ डिटोरिएशन ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी. मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सपोज करो इफ़ द प्राइस ऑफ द पेंसिल इज 2 एंड दैट ऑफ द पेन इज 10. पेन का जो अमाउंट है वो 10 है और पेंसिल का है 2. ठीक है. वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ पेन विद रिस्पेक्ट टू पेंसिल. अ पेन इज वर्थ 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 पेंसिल. मतलब एक पेन लेने की जगह पे हम 5 पेंसिल्स खरीद सकते हैं. राइट. द सेम नोशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी इट्सेल्फ टू रिस्पेक्ट द अदर कमोडिटी. इसी चीज़ में जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक पेन की जो अमाउंट है डैट इज इक्वल टू 5 पेंसिल्स. ठीक है. तो एक रुपये का क्या अमाउंट हुआ? द अमाउंट ऑफ 1 रुपी इज 0.5 पेंसिल एंड इन केस ऑफ पेन इट इज 0.1 पेन. तो इधर आप देखोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि जो मनी है उसकी अमाउंट में डिक्रीमेंट है ना. यही अगर हर कमोडिटी में इंक्रीज होता है मनी के टर्म में. ठीक है. अगर कमोडिटी में इंक्रीमेंट है तो मनी में कहीं ना कहीं होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा.
ठीक है, अगर वैसे ही हम देखेंगे अगर प्राइस लेवल में इंक्रीज है तो एक मतलब जो कमोडिटी है उसकी उसमें डिक्रीज आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि 10 रुपीज़ का पेन है तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 पेन, जबकि 2 रुपीज़ का पेन है तो 0.5 रुपीज़ का हो जाता है 1 पेंसिल का। ठीक है, सो है। और ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिटोरिएशन ऑफ परचेजिंग पार पैरिटी। ठीक है, सो मनी कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल। मनी एक स्टोर हो सकता है वैल्यूज का, बिकॉज मनी से आप वो हर चीज़ खरीद सकते हैं। मनी इज़ द वैल्यू, मनी इज़ द वेल्थ। वेल्थ को जब आप स्टोर करके रखते हो, मनी इज काइंड ऑफ अ स्टोर फॉर वैल्यू। ठीक है, मतलब मनी वैल्यू का एक स्टोर है। मनी से आप, मनी ही तो वैल्यू है। जो भी आप चीज़ खरीदना चाहते हो, आपको गोल्ड खरीदना है, वो सब कुछ आप कैसे खरीदोगे? थ्रू मनी ओनली, राइट। काफ़ी कंट्रीज ये अटेम्प्ट कर रही है टू गो कैशलेस। कैशलेस और मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा ज़्यादा ईजीली होता है, जिसमें फिजिकल बैंक, जो फिजिकल बैंक है जैसे नोट्स और कॉइन्स, इनका यूज़ नहीं होता। डाटा इज यूजली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, बिटवीन द ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो फिर इंडिया में भी जो है वो भी काफ़ी अभी आज के टाइम पे आप देखोगे तो बहुत फैल रहा है। हर एक पर्सन के पास फिलहाल जी पे है, पेटीएम है, हर पर्सन के पास है, ई वॉलेट्स है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, NFS। ठीक है, सो दिस इज़ ई बैंकिंग आप बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी है हमारे पास। ठीक है, वी आर ग्रोइंग फॉर द कैशलेस सोसाइटी। डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी क्या है? डिमांड ऑफ मनी टेल अस व्हाट मेक्स पीपल डिजायर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। कि किसी भी ऐसी क्यों है कि किसी भी कोई भी पर्सन है, ठीक है, मतलब लोगों को मनी की ज़रूरत क्यों है, क्या रीज़न है? ठीक है, लोग सेविंग्स भी रखते हैं कि नहीं रखते सेविंग्स? इन द फॉर्म ऑफ रेदर देन पुटिंग इन इट अ बैंक विच गिव देम इंटरेस्ट। अगर वो इसी सेविंग को बैंक में डाल दे तो उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हाउ मच मनी पीपल कीप टू डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग लोग कितना पैसा बैंक में इंटरेस्ट करके रखना है, सॉरी बैंक में जमा करके रखना है। ठीक है, डेट डिपेंड्स ऑन ROI विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग अपनी जेब में कम पैसा रखेंगे और बैंक में ज़्यादा रखेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो लोग उसमें ज़्यादा पैसे रखेंगे ही नहीं। ठीक है, मनी की डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी। मनी की सप्लाई आती कहाँ से है? देखो, इन अ मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंप्राइजेज ऑफ कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स। आज के टाइम पे हम कैश डिपॉजिट्स भी करते हैं और बैंक डिपॉजिट्स भी करते हैं, ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश एंड बैंक। सो जो भी हमारे पास पैसा आता है, जो क्रिएट होता है, ये बेसिकली दो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डिपेंडेंट होता है, विच इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ RBI विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, RBI के बहुत सारे काम हैं इन इंडिया, विच इज़ वो करेंसी इशू करती है। करेंसी कौन इशू करता है? RBI इशू करता है। ठीक है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है थ्रू आउट वेरियस मेथड लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशन इन रिजर्व रेशो एक्सेट्रा। वो गवर्नमेंट के लिए बैंक एज अ बैंकर एक्ट करता है। उसके अलावा इट इज़ द कस्टोडियन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम के लिए ये एज अ बैंक एक्ट करता है। जो करेंसी जो इशू करती है, ठीक है, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक। जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करती है वो जाता कहाँ है? या तो वो पब्लिक के पास आएगा या वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। और ये एक्ट करता है एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन के क्रिएशन में एक मनी काम करती है जो कमर्शियल बैंक्स के पास होता है। मतलब देखो, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक का बेसिकली काम क्या है? सपोज
दिस इज़ एनी बैंक ऑफ योर लेवल, आपके जो भी एरिया है वो बैंक है, एंड यू आर द डिपॉजिटर एंड सम अदर पर्सन इज अ लेंडर. सपोज आप हो डिपॉजिटर, ठीक है, और आपका एक दोस्त सॉरी और आपका एक दोस्त है जिसको पैसे चाहिए, ठीक है, नॉट लेंडर बट बोरोअर, सॉरी, यू आर द डिपॉजिटर एंड योर फ्रेंड इज़ अ बोरोअर, उसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है. सपोज पहले वो दोस्त आपके पास आया और उसने आपसे उधार के लिए पूछा कि मैं मेरे को थोड़ी देर इंटरेस्ट दे दे, तो आप उसको बोलते हो मैं तेरे से सपोज 15% इंटरेस्ट लूँगा, जबकि बैंक में चल रहा है जस्ट हाइपोथेटिकली 8%, ठीक है. तो आपसे लोन लेने से अच्छा आपका जो फ्रेंड है वो बैंक से ज़्यादा जाके लोन लेगा, बट बैंक जो उसको लोन देगा, जो पैसे देगा, वो लोन बैंक के पास कहाँ से आता है? वो देते हैं आप एज अ डिपॉजिटर. आप अपने पैसे बैंक में क्यों सेव करते हैं? क्योंकि आपको बदले में एक इंटरेस्ट मिलता है, राइट? तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देता है वो कंपेरेटिवली कम होता है उस इंटरेस्ट रेट से जो वो एक बोरोअर से पे करता है. सपोज उससे एक बोरोअर से बैंक 8% लोन ले रहा है और आपको 5% लोन दे रहा है, तो बीच में जो 3% है वो क्या है? डैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द पर्टिकुलर बैंक, ठीक है. सो कमर्शियल बैंक का बेसिकली काम होता है डिपॉजिटर से डिपॉजिट करना और बोरोअर्स को जिनको ज़रूरत है उनको दे देना, ठीक है. सो डिपॉजिट एंड लोन क्रेडिट, ये जो फंक्शन है ये कौन करता है? ये करता है कमर्शियल बैंक. ओके, कमर्शियल बैंक मीडिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स और फर्म विद एक्सेस फंड्स एंड लैंड, मतलब जिसके पास भी फंड्स होता है वो उनसे ले लेता है और उनको लैंड कर देता है जिनको चाहिए, ठीक है. पीपल विद एक्सेस फंड्स कैन कीप देयर फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. आप भी अपने पैसे जो आपको अभी जेब में नहीं चाहिए आप उसको क्या करते हो? आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, बदले में आपको भी इंटरेस्ट मिलता है और उस वो आप ही के पैसे को वो बैंक किसी और को एज अ क्रेडिट दे देता है. जैसे कि होम लोन्स हो गए, क्रॉप लोन्स हो गए, पर्सनल लोन हो गए, काफ़ी अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स भी दे देता है, ठीक है. और कोई भी पैसा है आपके घर पे तो आप कंसीडर करते हो कि बैंक में पैसा जमा करना इज सेफ रादर देन एट होम, है ना. घर पे पैसे रखने से अच्छा है कि हम उसे बैंक में जमा करवा दें. मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम. देखो जब भी हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है देयर इज अ बैलेंस शीट ऑफ एवरी बैंक, ऑफ एवरी सिंगल बैंक, ठीक है. बैलेंस शीट रिकॉर्ड क्या करती है? बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी फर्म. वट आर एसेट्स? फर्म का एसेट्स है, फर्म के एसेट को बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है बैलेंस शीट में और लाइबिलिटी को राइट हैंड साइड लिखा जाता है, ठीक है. जो अकाउंटिंग रूल है वो ये बोलता है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है एट द एंड उसमें हमारी जो लाइबिलिटीज़ है डैट इज़ सपोज टू बी इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ आर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ें हैं जो एक फर्म ओन करती है, जिसकी ओनर वो फर्म है, ठीक है. जैसे बिल्डिंग्स हो गया, फर्नीचर हो गए, ये सब कुछ एसेट्स है. उसके अलावा जो लोन आप पब्लिक को देते हो, आप लोन जो पब्लिक देते हो वो भी एसेट ही है. वो एसेट क्यों है? बिकॉज बदले में आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साथ में मिलेगा, ठीक है. जो अनदर एसेट दैट अ बैंक हैज़ इज रिजर्व. रिजर्व आर डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक कीप विद अ सेंट्रल बैंक. रिजर्व्स होता है, रिजर्व का हम आगे बेसिकली ढंग से पढ़ने वाले हैं, बट रिजर्व्स बेसिकली एक अमाउंट है जो कि हम बचा के रखते हैं या रिजर्व करके रखते हैं विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. व्हाट इज एसेट? एसेट इज इक्वल टू रिजर्व्स प्लस लोन. अब हम बढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ. लाइबिलिटीज़ होते हैं वो सारे डेट जो हम ओ करते हैं, जो हमें देनी है, डैट इज़ लाइबिलिटी. तो जो डिपॉजिट्स हैं, जो डिपॉजिट जो हमें देती है, जो डिपॉजिट करते हैं हमारे पास पैसा, वो तो हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें उसके साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वापस करना है. वो तो हमारा कर्ज है ना, हमें उसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ वापस करना है. दैट इज़ वाई डैट इज़ लाइबिलिटी, ठीक है. अकाउंटिंग रूल बताता है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है. तो हेंस अगर एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से, सपोज एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटी,
तो उसको राइट हैंड साइड रिकॉर्ड किया जाता है एज नेट वर्थ. नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. ओके, यहाँ पे एक फिक्शनल बैंक का बैलेंस शीट है, उसमें हम देखें क्या क्या एसेट्स हैं हमारे पास, डेट इज़ रिजर्व, और क्या क्या लाइबिलिटी है, डेट इज़ डिपॉजिट्स एंड नेट वर्थ विच इज़ ज़ीरो. ठीक है, टोटल इज़ 100. सो डैट इज़ वाई, डैट इज़ द रीज़न डैट दिस बैलेंस शीट इज़ करेक्ट. ओके, लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर. देखो, एक बैंक कितना पैसा अपने पास रख सकती है उसमें एक लिमिटेशन होती है. एक द RBI डिसाइड करती है कि कोई भी बैंक अपने पास कितना पैसा रखेगा एज अ रिजर्व. ये इंश्योर करने के लिए होता है कि ओवर लैंडिंग ना हो जाए, कोई भी बैंक ओवर लैंडिंग ना करे. ठीक है, तो दिस इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड इज़ बाइंडिंग ऑन द बैंक्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और द रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, CRR. ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है कि सपोज आपके पास किसी भी, सपोज यू आर कोई भी बैंक है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ SBI. तो SBI के पास 100 रुपये हैं. ठीक है, तो अगर जो CRR है डैट इज़ 20%, तो वो जो 20% है वो 20% SBI देगी RBI को. ठीक है, तो SBI के पास कितना रह जाता है, SBI के पास रह जाता है 80 रुपीज़. ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस 20 रुपीज़, दिस इज़ CRR और द कैश रिजर्व रेशो. ये इसलिए रिक्वायर, ये इसलिए रखा जाता है ताकि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए, बैंक के पास पैसे कम पड़ जाए SBI के पास, तो वो RBI के पास आके पैसों की डिमांड कर सके. ठीक है, CRR के बाद बैंक के पास एक और ज़रूरी जो रेशो होता है, डैट इज़ SLR विच इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. ठीक है, ये एक ऐसा रेशो है जो बैंक अपने में ही रिजर्व करके रखती है. सपोज 80 रुपीज़ है बैंक के पास, 80 में से 30 जो है वो SLR के रूप में रखा हुआ है कि उन 80 को तो हम रखेंगे ही रखेंगे एंड पॉइंट के लिए. जो हम अभी लैंड करेंगे और वो करेंगे, डैट विल बी द 50 रुपीज़. वो 30 रुपीज़ विल बी रिजर्व, वो उसको ऐसा रिजर्व रखा जाएगा इन अ लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ कैश होगा. ओके, सो यस, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से मनी मल्टीप्लायर. अगर हम एक फिक्शनल एग्जांपल ले, तो हमारा जो CRR है वो 20% है, तो जो डिपॉजिट्स है वो 100 रुपये है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, तो एक बैंक के पास कितना रह जाएगा, डैट इज़ गोन अभी 80 रुपीज़. राइट, अगर सडनली वो जो हमारा कैश रिजर्व रेशो है वो 20% से बढ़ के 25% हो जाता है. ठीक है, तो वो 25% अगर हो जाता है बढ़ के, तो आपके पास सिर्फ 75 रुपीज़ है. राइट, आपके पास सिर्फ 25 रुपीज़. देखो, जब 20% था तो आपके पास 80 था, तो इसका मतलब आप कितने CRR बना सकते थे, अराउंड 5 बना सकते थे. बट जब 25% हो जाता है तो आप सिर्फ 4 ही बना सकते हो. राइट, तो ये जो चेंज है, ठीक है, सो दिस चेंज इज़ बेसिकली द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस. बिकॉज देखो, जब यहाँ पे सिर्फ फोर हम बना सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 75% ही रह जाएगा. राइट, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा, बिकॉज हमने 25% का तो हमें देना है, हमें रिजर्व करके रखना है. किसके साथ? बैंक के साथ, RBI के साथ. ठीक है, सो दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, जहाँ पे रिजर्व्स, लोन्स, और इसका टोटल है 500, और ये है डिपॉजिट्स विच इज़ टोटल 500. ठीक है, सो मनी मल्टीप्लायर बेसिकली होता है इनवर्स ऑफ द CRR का इनवर्स. तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/20%. अगर 20% है, ठीक है, तो जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो होगा 5. तो जो रिजर्व रेशो होगा, देखो जो रिजर्व रेशो होगा, डैट इज गोना बी 100 मल्टीप्लाई बाय 500. ओके, वैसे ही अगर मनी मल्टीप्लायर जो CRR है, CRR का रेट हो जाता है 25%. तो 25% की जगह अगर हम इसको करें 1/25, तो जो हमें मिलेगा इसका आउटपुट इज गोना बी 4. सिर्फ 4 ही इसका आउटपुट होगा. राइट, तो जो रिजर्व्स होगा, जो मनी मल्टीप्लायर का रिजर्व होगा, डैट इज गोना बी ओनली 400. तो इधर मनी में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मनी कंट्रोल मनी सप्लाई के कुछ टूल्स बेसिकली. तो RBI का क्या रोल है? RBI का
रोल है लैंड करना पैसे बैंक्स को, ठीक है। कभी जब उन बैंक्स के पास पैसे खत्म हो जाते हैं किसी भी कारण, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। सेंट्रल बैंक के पास वो पैसे हमेशा होंगे। सो सेंट्रल बैंक इज द लैंड लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, ठीक है। आरबीआई इकोनॉमी का मनी सप्लाई कंट्रोल करता है वेरियस तरीके से, ठीक है। द टूल्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई कैन बी क्वांटिटिव और क्वालिटिव। क्वांटिटिव टूल्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि सीआरआर में चेंजेस करना, बैंक रेट या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में चेंजेस करना, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स विच इंक्लूड अ पर्सुएशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू मेक कमर्शियल बैंक डिस्करेज और इंक्रेज लैंडिंग ऑफ द डन थ्रू द मोरल सेसेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट टूल बाई विच आर बी आई ऑल्सो इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशू बाई गवर्नमेंट इन ओपन मार्केट, ठीक है। ओपन मार्केट में जब हम बॉन्ड्स खरीदते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। देर आर टू टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन के दो ही टाइप होते हैं, आउटराइट एंड रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन परमानेंट होते हैं नेचर में। वेन द सेंट्रल बैंक बायज देयर सिक्योरिटी इट इज़ विदाउट एनी प्रॉमिस, मतलब जब आउटराइट होता है तो जब वो बेचती है गवर्नमेंट, तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है कि वो उनको फिर से खरीदेंगे या नहीं, ठीक है। देर इज़ विदाउट एनी प्रोमिस, ठीक है। जबकि जो अदर टाइप ऑफ ऑपरेशन होता है, जो सेंट्रल बैंक बायज द सिक्योरिटी, इसमें जो है एक एग्रीमेंट होता है, एक स्पेसिफिकेशन होता है कि हाँ हम उसको बाद में रीपर्चेज करेंगे, सो दैट इज रेपो, ठीक है। और उनको उस पर्टिकुलर बॉन्ड्स को किस रेट में वो वापस खरीदेंगी, दैट इज द रेपो रेट, ओके। और उसके अलावा आउटसाइड सेल ऑफ द सिक्योरिटी, द सेंट्रल बैंक में सेल द सिक्योरिटी थ्रू एन एग्रीमेंट विच इज स्पेसिफिकेशन। अगर कोई भी गवर्नमेंट उनसे खरीदती है बॉन्ड्स और ये बताती है कि वो वापस कब और किस रेट में करेगी, डैट इज रिवर्स रेपो रेट, ओके। द आर बी आई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक। देखो, मनी सप्लाई को आर बी आई इन्फ्लुएंस कर सकती है कैसे, ताकि वो चेंजेस ला सकती हैं, वो जो कमर्शियल बैंक्स में वो जो लोन देती है जिस रेट से, डैट इज़ नोन एज बैंक रेट। अगर बैंक रेट में चेंजेस आ जाते हैं तब भी हमें देखने को मिलेगी कुछ चेंजेस, जैसे इंक्रीजिंग द बैंक रेट लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक बिकम मोर एक्सपेंसिव। अगर बैंक रेट में इंक्रीज हो जाता है तो हम जो लोन लेते हैं ना कमर्शियल बैंक से, उसका रेट भी बढ़ जाएगा। अगर जो बैंक रेट है वो रिड्यूस करता है तो मनी की सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी की डिमांड होती क्यों है, हमें मनी क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द मोटिव, मनी रखना क्यों है। इसके बेसिकली दो मोटिव्स होते हैं, विच इज़ ट्रांजेक्शन मोटिव्स। फर्स्ट, क्योंकि लोगों को ट्रांजेक्शन करनी है, लोगों को चीज़ें खरीदनी और बेचनी है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। दिस इज़ बेसिकली फॉर द लिक्विडिटी फॉर्म। लिक्विडिटी फॉर्म मतलब कैश क्यों रखना चाहिए हमें जेब में। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, ताकि हम अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकें, क्योंकि हमें हमारी जो इनकम है वो मिलती होगी किसी भी बेसिस पे, हमें महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार मिलती होगी, बट हमारे जो भी खर्चे हैं वो तो थ्रू आउट चलते ही रहते हैं, राइट। तो उन खर्चों को स्मूथली करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हमारे लिक्विडिटी फॉर्म पे हमारे पास पैसे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट दिस, सो हेयर सपोज कि आपका जो एवरेज ट्रांजैक्शन डिमांड है, कि आपके पास एवरेज जो ट्रांजैक्शन होता है वो बेसिकली होता है हाफ ऑफ योर इनकम, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास इनकम आती है, सपोज आपके पास 100 रुपये की इनकम आती है, तो जब महीने का एंड होगा आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, सो इसका एवरेज इज 50। सो 50 इज समथिंग फॉर योर एवरेज इनकम, ओके। सो उस एवरेज इनकम के बेसिस पे आप, मतलब जब आपके पास एवरेज इनकम रहती है 50 रुपीज़ की हर मंथ, तो मतलब आपकी जो एवरेज ट्रांजेक्शन डिमांड होती है वो बेसिकली इज़ द हाफ ऑफ योर मंथली इनकम और अदर वर्ड्स हाफ ऑफ योर मंथली ट्रांजेक्शन्स, ओके। सो हेयर इस सिचुएशन को हम लिख सकते हैं लाइक दिस, जिसमें
जिसमें टी इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ नॉमिनल ट्रांजेक्शंस एंड के इज इक्वल टू द पॉजिटिव फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट जो मोटिव है डेट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव. स्पेक्यूलेटिव मोटिव में होता है बेसिकली स्टोरेज ऑफ वैल्यू. जब हमें लगता है कि हम अगर हमारी जेब में लिक्विड पैसा है, इसका मतलब हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास वेल्थ है. ठीक है, इसके लिए बॉन्ड्स वगैरह जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है बेसिकली. ओके, तो दीज आर द टू मोटिव कि क्यों हम लिक्विड अमाउंट लिक्विडिटी में पैसे हमारे पास रखते हैं. ठीक है, अगर जब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि जो कैपिटल जो बॉन्ड्स होल्डिंग है ना उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलेगा. इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग मनी को बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो हर इकोनॉमी में हर एक पर्सन चाहता है कि उसमें इकोनॉमिक उस मतलब उनकी वेल्थ में उसकी जो वेल्थ है सॉरी उसमें एक मनी बैलेंस रहे. ठीक है, इफ़ एडिशनल मनी इज इंजेक्टेड विद इन इकॉनमी इट विल बी यूज टू सेटिटेट पब्लिक्स क्रेविंग फॉर द मनी बैलेंस विदाउट इंक्रीज द डिमांड ऑफ बॉन्ड्स और विदाउट फर्दर लोअरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो फ्लोर. ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं. द स्पेकुलेटिव मनी डिमांड फंक्शन इज इनफिनिटली इलास्टिक हेयर, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतनी ही हम लोगों की डिमांड बढ़ेगी. ठीक है, हमारी क्रेविंग बढ़ेगी बेसिकली फॉर मनी बैलेंसेस. ठीक है, उसमें कोई बॉन्ड्स में कोई भी फर्दर किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट नहीं आएगा एंड सच सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप. द सप्लाई ऑफ मनी, अब मनी की सप्लाई कहाँ से आती है? जैसे हमने पढ़ा जो हमारी इंडिया की करेंसी के नोट्स है, नोट्स वो इशू करती है RBI. ठीक है, विच इज़ द मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. RBI सारे नोट्स छापती है अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी नोट. 1 रुपये का नोट जो होता है वो RBI नहीं छापती. ठीक है, कॉइंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. अब देखो सपोज एक 2000 रुपीज़ का नोट है, सॉरी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हियर जो मतलब हम जो हमारी कॉइन्स है वो कौन करती है? वो गवर्नमेंट करती है. ठीक है, नोट्स एंड करेंसी के अलावा हमारे पैसे जो है वो कहाँ सेव होते हैं? वो बैंक में सेव होते हैं विद करंट अकाउंट डिपॉजिट्स RD जिसको हम बोलते हैं, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी हम खोलते हैं. ठीक है, जिसमें हम अपने पैसे को रखते हैं. तो जो देखो जिस टाइम पे जो हम डिपॉजिट करते हैं, सपोज हम कोई भी पैसे कोई भी पर्सन है जो हम डिपॉजिट करते हैं, डैट इज़ डिमांड डिपॉजिट और दे आर पेएबल डिपॉजिट्स. ठीक है, और इसको जब एक फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है, जब एक फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है तो हमें कुछ मिलता है राइट, और इंटरेस्ट मिलता है, डैट इज़ टाइम डिपॉजिट्स. ठीक है, अब ये बताओ कि जो भी करेंसी है या नोट्स है उनको इशू तो अथॉरिटी करती है. ठीक है, सपोज कोई भी 2000 रुपये का नोट है, कि उस 2000 रुपये का नोट वो जो पेपर है उसकी कीमत है 2000 रुपये? नहीं है. जो कॉइन है सपोज जितने रुपए की कॉइन है इतना अमाउंट उसकी है भी कि है ही नहीं, हम इतना क्यों वो कर रहे हैं? बिकॉज जो भी मनी है उसमें लिखत आता है कि मैं वादा करता हूँ. आपने देखा होगा इट इज़ रिटन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द RBI डैट एवरी करेंसी नोट बियर्स अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ RBI. वो तो पैसा है ही नहीं, उसमें तो कीमत है ही नहीं, डैट इज वो तो सिर्फ एक प्रॉमिस है. ठीक है, अब वो प्रॉमिस जितने के पास जाएगा सभी के पास वो प्रॉमिस आता जाएगा. ठीक है, डैट इज लाइक अगर हम सिचुएशन ले, सपोज एक मनी लेंडर है. ठीक है, एक कोई भी मनी लेंडर है वो मतलब वो बेसिकली एक वो कोई भी पर्सन उससे कुछ चीज़ें लेता है कर्ज में, तो वो मनी लेंडर उसको एक बेसिकली एक वो देता है. ठीक है, कि हर एक करेंसी में ना एक वो होगा कि देखो कि मतलब जिसने भी जो भी ये चीज़ खरीद रहा है उसको मैं ये पैसे अदा करने का प्रॉमिस लेता हूँ. तो मनी लेंडर उस टाइम पे जो भी वो चीज़ होता है ठीक है उस पर ये चीज़ लिख देता है कि हाँ तू मेरे को पैसे देगा, सो इट इज़ रिटर्न. तो ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो जिसने भी मनी लिया है वो उसको वो मिल जाएगा. ठीक है,
अब बेसिकली ये ऐसा होता है कि जो मनी लेंडर है, सपोज, रुको इसको मैं मिटाती हूँ, सपोज आप एक मनी लेंडर हो और दिस इज अ प्रोड्यूस, नॉट अ प्रोड्यूसर बट अ बोरोअर, जो जिसने पैसे बोरो किए हैं, ठीक है, तो वो बोरोअर कोई भी चीज़ मनी लेंडर से लेता है और साथ में मनी लेंडर को एक, मतलब एक वो दे देता है, मतलब मनी लेंडर साथ में उसको एक पीस ऑफ पेपर देगा जिसमें लिखा होगा कि, मतलब जैसे एक उसमें लिखा होता है नोट में कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको ये इतना मनी देता हूँ, ठीक है, आई प्रॉमिस डेट मैं इतना मनी उसको देता हूँ, तो जिस जिसके पास वो कॉइन जाएगा, वो पैसे जाएंगे, इट इज़ लाइक कि हर एक उसके पास एक वो जा रहा है, मतलब एक प्रॉमिस जा रहा है कि ठीक है हाँ ये इतने इतने इतना, तो वो उस नोट का अपेरेंटली वो वैल्यू बन जाती है, ठीक है, कि हाँ मैं 2,000 रुपये दे रहा हूँ, 2,000 रुपये दे रहा हूँ, तो आप दुकान से कोई भी चीज़ खरीदते हो, बदले में उसको एक नोट दे देते हो विच सेज कि मैं उसको एक 2,000 रुपये या फिर इतना रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ, उसमें अमाउंट तो नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस, तो जित जित के पास जाएगा वो प्रॉमिस बनता जाएगा, राइट, ठीक है। सो इसीलिए करेंसी और नोट्स को हम फाइट मनी बोलते हैं, इनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है, इनको लीगल टेंडर्स भी बोले जाते हैं और थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में कोई भी इनको रिसीव करने से मना नहीं कर सकता, दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। नैरो एंड ब्रॉड मनी, मनी सप्लाई लाइक मनी डिमांड इज अ स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आरबीआई पब्लिश कर, मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक ऑफ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द मनी सप्लाई, तो आरबीआई पब्लिश करती है फिगर्स ऑफ फोर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी विच इज M1, M2, M3 एंड M4, दे आर डिफाइंड एज फॉलोज। M1 इज इक्वल टू CU प्लस DD, वट इज CU? CU इज द करेंसी, ठीक है, हेल्ड बाय पब्लिक, एंड DD इज द डिमांड डिपॉजिट। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पब्लिक ऑफिस सेविंग बैंक। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, एंड M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे M1 और M2 जो है वो नैरो मनी है और M3 और M4 इज नोन एज ब्रॉड मनी। दीज मेजर्स आर इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, देखो M1 इज मोस्ट लिक्विड एंड मोस्ट ईजियर ट्रांसफर्शन, ठीक है, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड अमाउंट में होगा और सबसे ज़्यादा ईजी होगा ट्रांजेक्शन के लिए, जबकि M4 जो है वो सबसे लीस्ट, सबसे कम लिक्विड होगा इनमें से, ठीक है। M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। अब हम पढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है, ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, जो कि लिया था कब, नवंबर 2019 में, करप्शन जैसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी। ऐसे में क्या हुआ कि जो पुराने नोट थे, 500 और 1,000 के पुराने नोट को लीगल टेंडर नहीं रखा गया, वो लीगल टेंडर नहीं रहे, उनको ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं ना ही दे सकते हैं, उसके बदले में 500 और 2,000 के नए करेंसी नोट्स लॉन्च हुए। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी करप्टेड मनी था, ब्लैक मनी था, सब कुछ था, वो सारा अपने आप ही बाहर आ गया, अब तो उसका कुछ अमाउंट ही नहीं है, ठीक है, उसमें कोई डिक्लेरेशन है ही नहीं, अब उसको ना ही कोई एक्सेप्ट कर सकता है ना ही कोई दे सकता है, ठीक है। फर्दर टू अवॉइड कंप्लीट ब्रेक डाउन एंड क्रैश करेंस नोट्स, गवर्नमेंट हैज़ अलाउड चेंजेस ऑफ ₹4,000 ओल्ड करेंसी बाय द न्यू करेंसी एज पर पर्सन एंड पर डे। बिल्कुल ब्रेक डाउन के लिए 4,000 तक की जो पुरानी करेंसी है वो पर डे एक पर्सन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब हर एक दिन में 4,000 तक का पैसा हर एक आदमी को, हर एक आदमी नई करेंसी में चेंज कर सकता है, ठीक है। फर्दर टिल 12 दिसंबर 2016 ओल्ड करेंसी नोटेड वर एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर, 12 दिसंबर 2016 तक ही पुराने नोटों को लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया, वो भी कहाँ कहाँ पे, पेट्रोल पंप में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट ड्यूटी जैसे टैक्स और पावर्स को पे करने के लिए, ठीक है।
उसके अलावा एटीएम बूथ्स में भी नई नई हमारी करेंसी आना शुरू होगी, और पुरानी करेंसी धीरे 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 बिल्कुल ही बंद होगी। ओके, सो यस, डैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।